एक छोटा सा मेंटल शिफ्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ बैट्समैन के लिए। अगर आप इस टेक्निक को फॉलो करते हैं नेट करते वक्त या बैटिंग करते वक्त, तो डेफिनेटली आपको हेल्प करने वाला है। ये मेंटल शिफ्ट क्या है, जब भी आप बैटिंग करने के लिए जाते हैं तो बहुत सारे बैट्समैन क्या करते हैं कि सपोज वो ड्राइव की बॉल पीछे खेल जाते हैं और आगे की बॉल को पीछे खेल जाते हैं, पीछे की बॉल को आगे खेल जाते हैं, तो होता क्या है कि हमारा माइंड उसी के बारे में सोच रहा होता है, लास्ट बॉल के बारे में कि मैंने क्या गलती करी, राइट। हम अगली बॉल पर फोकस नहीं करते। तो आपको क्या करना है, आपको जो अपने एनालिसिस करना है हर बॉल का, वो नेट के बाहर आके करना है। जैसे आप कोई बॉल खेलोगे आपको पता चल जाएगा मैं क्या गलती कर रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, उस गलती को छोड़ के आपको बॉल पे ध्यान देना शुरू करना है, राइट। जैसे आपने एक बॉल खेली, गलती कर दी, आप आउट होने से बच गए ना, खत्म बात, आप साइड गए, आपने बोला फोकस ऑन द नेक्स्ट बॉल, फोकस ऑन द नेक्स्ट बॉल, फिर आपने दूसरी बॉल पर फोकस किया। अपने आप को बैटिंग करते वक्त जज मत करना, क्योंकि अगर आप लास्ट बॉल के अंदर फंसे रहोगे ना तो होने वाला पता है क्या है, अगर आप लास्ट बॉल के बारे में सोचोगे कि यार मेरे से बॉल नहीं लगा, मैं बैटिंग करते वक्त कैसा दिख रहा हूँ, तो आपका माइंड यानी कि पास्ट में जी रहा है, पास्ट में, समझ रहे हो आप, एक बॉल पहले जो घटा आप उसके बारे में सोच रहे हो, तो आपका प्रेजेंट फोकस नहीं रहेगा। तो आप ये कोशिश करो कि जो हो गया, अगर आप आउट नहीं हुए ना तो बेस्ट है भाई, आपने बॉल अच्छा खेला, चाहे कुछ भी हो आओ, अब आपको सेकेंड बॉल पर फोकस करना है, तभी आप अच्छी बैटिंग कर सकते हो, वरना आप बैटिंग करते हुए बहुत ज़्यादा फंसोगे, आपके माइंड के अंदर डाउट आएंगे, राइट। ना आप सिंगल रोटेट कर सकते हो, ना आप बड़े शॉट्स खेल सकते हो, क्योंकि आपको जो सारा फोकस है जो गलतियां कर रहे हैं उसी पे है, जो अच्छा कर रहे हैं वो चीज़ आप बैटिंग के अंदर देखोगे तो आप डेफिनेटली ग्रो करोगे। ये छोटा सा मेंटल शिफ्ट था जो आपको डेफिनेटली ध्यान देना है।